पूछ रहा हूं आपसे, अगर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा आता है, तो वृंदा का पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है? वृंदा के पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि नष्ट किया है? नष्ट किया है भगवान। छलकर टारेउ तास व्रत, छलकर टारेउ तास व्रत, स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? छल से भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। वाह, बात उलझ गई लेकिन सुलझेगी बहुत अच्छे ढंग से। जैसे ही भगवान जाने लगे वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ ली, कहा स्वामी आप कहां जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा देखो मैं असत्य कभी बोलता नहीं, परमात्मा सत्य स्वरूप है कि नहीं? वो कभी असत्य क्यों बोलेगा ही नहीं, वो तो सत्य स्वरूप है। सत्य तो ये है कि मैं वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने कहा गजब हो गया, ये करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी कि मेरा भगवान क्या करने गया? क्यों भैया, जैसे आप सब आस्थावान हो, आप किसी संत महापुरुष से जुड़े हो, और यदि उसके करैक्टर में बट्टा लग जाए तो बोलो उनके भक्तों पर क्या बीतती है वो भक्त ही जानते हैं। बोलो, वो भक्त ही जानते हैं कि उन भक्तों पर क्या बीतती है, है? क्योंकि जिसके प्रति समर्पण है, आस्था है, यदि उसके चरित्र पर कहीं लांछन लग गया, यदि चरित्र पर लोगों ने उंगली उठा दी, टिप्पणी कर दी, तो शर्मिंदित हो जाता है भक्त समाज, और मूक हो जाता है, फिर शब्द भी बोलने के लायक नहीं रहते। क्या होगा आपके करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी? और मैं आपकी सहधर्मी हूं, धर्म कार्य करने न जाए। अच्छा, पत्नी रोकेगी पति को कि नहीं रोकेगी? यही कहेगी कि ऐसा कार्य करने आप ना जाएं, बर्दाश्त से बाहर है, मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान नारायण ने कहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा आप ना जाएं तो? भगवान ने कहा देखो हमें धर्म की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? धर्म की रक्षा करनी है। तो लक्ष्मी जी बोली धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन धर्म को तो नष्ट करने जा रहे हैं, रक्षा करनी चाहिए ना कि धर्म को नष्ट करना चाहिए? भगवान बोले रक्षा करनी चाहिए धर्म, तो फिर आप नष्ट करने क्यों जा रहे हैं धर्म को? भगवान ने कहा धर्म को नष्ट करने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। लक्ष्मी जी बोली समझ में बात नहीं आ रही, मालूम तो ये था कि शंकर जी भांग खाते हैं, आप भांग खाने लगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं? क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं। लक्ष्मी अभी मुझसे उत्तर मत लो, जब मैं वापस लौट के आऊंगा तब तुम समझ लेना, हमें बोलने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आप यदि वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि उसका पति अन्यायी अत्याचारी है। पति का क्या नाम था? जलंधर था। जलंधर ही तो हम कह रहे हैं, क्या हम मच्छंदर कह रहे हैं? क्यों भाई, जलंधर ही हमने कहा है शायद। हाँ भाई, एक पंडित इधर घेरे हुए, एक इधर घेरे हुए, बीच में मैं फंसा बैठा हूं। जलंधर ये अन्यायी है, अत्याचारी है, अनाचारी है, और इसके अन्याय से मेरे आराध्य शिव का भी अपमान हुआ है। इसी जलंधर ने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है, और जो मेरे आराध्य का अपमान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहे आप सीधे जाके उससे टकराइए ना जलंधर से, वृंदा के पास जाने की क्या जरूरत है? अपमान वृंदा ने किया है कि जलंधर ने किया है? बात सही हो रही है कि नहीं? क्लियर?
भाई अपमान किसने किया है? अपमान तो जलंधर ने किया है, अपमान वृंदा ने नहीं किया है। तो आप वृंदा के पातिव्र धर्म को नष्ट करने क्यों जा रहे हैं? आपको यदि नष्ट करना है तो डायरेक्ट जलंधर को नष्ट करिए। भगवान बोले डायरेक्ट हम जलंधर को नष्ट नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं, झूठ बोलते ही नहीं। डायरेक्ट मैं जलंधर को नष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते आप डायरेक्ट? इसलिए कि वृंदा का पातिव्र धर्म कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहा है। जलंधर की रक्षा कौन कर रहा है? जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज समस्त देव और महादेव ये सब पराजित हो रहे हैं क्योंकि वृंदा का पातिव्र धर्म बल बन करके आ जाता है, शक्ति बन करके आ जाता है। और जैसे ही लड़ता जलंधर नहीं है, फिर वृंदा का पातिव्र धर्म लड़ने लगता है आगे आके, और वो चैलेंज करता है कि किसी माई के लाल में अगर ताकत हो तो जलंधर को छूके बतावे। बोलो चैलेंज कौन करता है? वृंदा का पातिव्र धर्म करता है कि यदि किसी के माही के लाल में ताकत हो तो छूके बतावे जलंधर को। बोलो यही स्थिति हो जाती है कि नहीं हो जाती? मैं एक बात कहता हूं, दुर्योधन के पास कोई बल है लेकिन भीष्म पितामह आगे आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। दुर्योधन की रक्षा करने कौन आ जाते हैं? भीष्म पितामह। तो दुर्योधन अपने बल पर नहीं बल बलाता है, भीष्म पितामह के बल पर बल बलाता है कि है कोई दुनिया में जो दुर्योधन को छू सके? क्यों भाई? दुर्योधन को छू सके क्योंकि रक्षा करने के लिए कौन आ गए हैं? भीष्म पितामह। इसलिए दुर्योधन के पास बल नहीं है, वो जब भी बोलता है तो भीष्म पितामह के बल पर बोलता है। जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है लेकिन जलंधर यदि बोल रहा है, यदि लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है तो किसकी बदौलत कर रहा है? वृंदा के पातिव्र धर्म की बदौलत। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज अगर वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तो जलंधर बोले अपने आप मर जाएगा, फिर तो मर ही जाएगा। लेकिन आपने ये सोचा मरने के बाद बनेगा क्या? मरने के बाद ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जितना जानते हैं आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। बोलो भाई मरने के बाद कौन सा प्राणी क्या बनेगा? बोलो ये कौन जानता है? परमात्मा जानता है। बोलो जानता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जब वो मर जाएगा तो बनेगा क्या? तो भगवान ने कहा रावण बनेगा, रावण। और आप क्या बनेंगे? कहे हम राम बनेंगे। मैं क्या बनूंगी? कहे तुम सीता बनोगी। तो अगर आप वृंदा जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल कर रहे हैं तो वही जलंधर रावण बन करके आपकी पत्नी के साथ छल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई करेगा छल कि नहीं? शास्त्री जी आइए, इधर आइए। ऐसे बैठिए, यहां बैठिए, पकड़े रहिए, यहां बैठ के पकड़िए। तुम बैठ जाओ, ये पकड़ेंगे। अब बताओ ये इनकी ड्यूटी है कि ये हमारा सिंहासन देखें, हमारा दंड देखें। ये तुमको देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे व्यवस्था को हैं। और हम कथा कहने में मस्त हैं, कथा कहने में लगे हुए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, कथा सुनने में सब भूल जाते हैं, है नहीं? भूल जाते हैं इसलिए मस्त हैं, कोई बात नहीं। आइए सुनिए, 2 बजे तक बोलूंगा। कल से टाइम से ही कार्यक्रम जैसा चल रहा था, 11 बजे से चलता है ना, 11 से 2 तक ही चलेगा कल से। आज 1 घंटा लेट हो गया मैं, 1 घंटा, 12 बजे तो मैं बैठ ही गया था, 12 बजे बैठा था ना, 12:15 पे मैं बैठा था। मेरा सिंहासन कै बजे बैठा? हाँ 12:04 पर, है नहीं?
तो बात यह है कि एक घंटे सवा घंटे लेट हो गया आने में, हो जाता हूं अब दूर से आया, बीच में लोग रोक लेते हैं, भिंड में टाइम ज्यादा लग गया, भिंड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, जो कार्य तुम लोग व्यवस्थापक बंधु करते मेरे साथ वो भिंड वालों ने कर दिया, यहाँ आके वो तुमको करना पड़ता है ना, तो उन लोगों ने जो है सारी व्यवस्था बना दी और फिर थोड़ा उनका मन रखना पड़ा सबका, मैं थोड़ा विलंबित हो गया। अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यहीं रहना है, यहाँ से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर रहूंगा, 2 ही किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं, आप लोगों के बीच में ही रहूंगा, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है तो टाइम से ही आऊंगा, लेकिन तुम लोग भी टाइम से आ जाना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम से आ जाऊंगा तुम लोग टाइम के बाद आओ, 11 बजे सब आने की कोशिश करना, समझ रहे हो कि नहीं, 11 बजे सारे लोग आने की कोशिश करना, और वैसे तो जगह जो है ज्यादा बहुत लंबी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इतनी जगह इधर व्यवस्था बना दी जाएगी साइडों में, क्यों तो फिर यही है व्यवस्था और क्या है, कोई बात नहीं है, ये व्यवस्था है, ज्यादा होगा हम पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा, तो 2-4 फीट जगह की व्यवस्था और बन जाए, है नहीं, इसलिए चिंता मत करो, आनंद लो, आनंद लो, विशेष आनंद तुम्हें मिल रहा है। तो चर्चा में ये कर रहा था कि लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अगर मरने के बाद जलंधर रावण बनेगा तो मुझे सीता बनना पड़ेगा, और अगर मैं सीता बनूंगी तो जो कार्य आप जलंधर की पत्नी के साथ कर रहे हैं छल, बस उसका स्वरूप बदल जाएगा, क्यों भाई, उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन छल आपकी पत्नी के साथ होगा और करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वृंदा का पति ही होगा, वो रावण बन के छल करेगा। भगवान नारायण ने कहा ये भी मैं जानता हूं कि तुम सीता बनोगी और ये सब होगा, लेकिन ये जलंधर के प्रभाव से सीता तुम्हारा हरण नहीं होगा, क्योंकि सीता तुम्हारा हरण मेरी प्रेरणा से होगा और तुम्हारे हरण में ही रावण का मरण होगा, इसलिए तुम्हारा हरण होगा, विनाश के लिए तुम्हारा हरण होगा, उसमें भी मेरी ही सहमति होगी। बोलो सीता हरण में रावण की क्या हिम्मत थी कि सीता जी को उठा के ले जाता है, और असली सीता को तो खैर छू ही नहीं सकता था, वो तो नकली माया की सीता थी, बोलो थी कि नहीं माया की सीता, असली सीता तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी, लीला के लिए भगवान ने माया की सीता को प्रकट कर दिया, असली सीता तो भगवान के चरणों में है, और वास्तव में विचार किया जाए तो लक्ष्मी रे यस्य च बक्षसी, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, वैसे ही प्रभु राम के हृदय में सदा श्री किशोरी जी निवास करती हैं, भगवान के हृदय से कभी वो दूर नहीं होती हैं, इसलिए ये तो मेरी लीला होगी, इसलिए लक्ष्मी मैं सब जानता हूं कि आगे क्या होगा, तो आप जलंधर को नहीं मारेंगे, आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करेंगे, भगवान ने कहा जलंधर तो अपने आप मर जाएगा, इससे आपको यश मिलेगा, यश मिलेगा मुझे, आप यश नहीं मिलेगा, यश मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, भगवान ने कहा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भगवान ने कहा हां, कहे कैसे, कहे मैं जाऊंगा वृंदा के पास और छल करूंगा तो वृंदा श्राप देगी, और कन्फर्म है कि श्राप देगी तो मैं पत्थर बनूंगा और काला पत्थर बनूंगा, संसार में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में जो पत्थर से परमात्मा की आकृति बन के जाएगी उन समस्त पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन वृंदा के द्वारा जो श्राप में मैं पत्थर बनूंगा विनयी प्राण प्रतिष्ठा के मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, शालिग्राम बनकर के दुनिया में पूजा जाऊंगा। बोलो शालिग्राम की प्रतिष्ठा होती है, जल्दी बोलो, और ये शालिग्राम बनाया किसने, जल्दी बोलो, वृंदा ने बनाया कि नहीं बनाया, तो बोलो भगवान की ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ी श्राप से
कि और मंदिरों में मूर्तियों में प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, लेकिन वृंदा ने जो श्राप दिया वो भगवान बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा होगी, कोई जरूरत नहीं है कि प्रतिष्ठा कराई जाए। और याद रखना, करोड़ों के मंदिर बनवा दो, कई सौ करोड़ की लागत से मंदिर बनवा देना, जयपुर जोधपुर की दुकान में जाकर के कई हजार रुपए की कीमत की मूर्तियां लाना प्यारे, लेकिन सत्य कहता हूं नित्य स्तवन अवशेष यदि होगा, पूजन अर्चन वंदन सर्वप्रथम होगा तो शालिग्राम भगवान का होगा प्यारे, इसके बाद अन्य मूर्तियों को स्पर्श किया जाएगा। बोलो सबसे पहले किसका पूजन होगा? शालिग्राम भगवान का होगा। चरणोदक तुम किसका लेते हो? शालिग्राम भगवान का लेते हो। पूरी दुनिया बोलो किसका चरणोदक लेती है? शालिग्राम। बोलो प्रतिष्ठा घटी के बढ़ी? बढ़ी प्रतिष्ठा की नहीं, बढ़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। और सुन लीजिए, लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो लक्ष्मी, अभी मुझे जाने दो, फिर देखना उस लीला का तुम दर्शन करना कि वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी, वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी, लेकिन देखना तुम अभी मुझे जाने दो। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा ठीक है नारायण आपकी व्यवस्था है। देखो एक बात बताएं, यदि कोई सत्ताधारी अपनी सत्ता का संचालन अपने विवेक से कर रहा है तो पत्नी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्यों भाई उसकी व्यवस्था है, वो अपने विवेक से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ईमानदारी से बताओ वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति उनको बनाया गया है, राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं उनका प्रयोग वो अपने विवेक और संविधान से करेंगे कि पत्नी के कहने से करेंगे? जल्दी बोलो, संविधान के हिसाब से करेंगे अपना विवेक और संविधान, पत्नी के कहने से नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, आपके मार्ग में मैं बाधक नहीं बनना चाहती हूँ, अवरोधक नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन बस प्रार्थना करना चाहती हूँ। नारायण ने कहा मेरी लीला देखना लक्ष्मी, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगी। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और नारायण जब चले साहब, तो जैसे ही पहुंचे तो सुनते जाना ध्यान से, छल कर तारे उता सुव्रत, भगवान ने छल किया और वृंदा का व्रत भंग किया, और जैसे ही वृंदा का व्रत भंग हुआ जलंधर अपने आप मर गया प्यारे, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसी समय जलंधर का अस्तित्व समाप्त हो गया। वृंदा को जब पता लगा कि मेरे साथ छल हुआ तो वृंदा क्रोध में आ गई और श्राप दे डाला कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ, मैं जानती थी कि तुम भगवान हो लेकिन भगवान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है, मैं नहीं मानती हूं कि तुम भगवान हो, सारी दुनिया को ये बताऊंगी कि ये भगवान नहीं है, इनको भगवान मत मानना। भगवान ने कहा पहली बात तो ये है कि मैं कभी कहता नहीं हूं कि मैं भगवान हूं, अब ये दुनिया से बातें करो, दुनिया क्यों मुझे भगवान मानती है, अब दुनिया मानती है तो मैं क्या करूं इसके लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं। वृंदा ने कहा लेकिन आपने मेरे साथ छल क्यों किया, अगर आप भगवान हैं तो आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं कि धर्म को नष्ट करने? भगवान ने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए, तो आपने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करना पड़ता है। वृंदा बोली ये मैं नहीं समझ पा रही हूं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को कैसे नष्ट किया जाता है। भगवान ने कहा जो धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए कवच बन करके आगे आ जाता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना मेरा परम धर्म होता है, इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। अब बोलो भाई क्रिया निकृष्ट थी देखने में, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, भीष्म पितामह आदरणीय है, सम्माननीय है, महाभारत की कथाएं भी आप सुनते हो, तमाम लोगों ने सुनी और पढ़ी होंगी कथाएं। भीष्म पितामह को मारने के लिए आदेशित किसने किया? अर्जुन को किसने आदेश दिया कि इनको मारो? भगवान कृष्ण ने। ये आदेश किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने कि मारो। अब बताइए इतना बड़ा महापुरुष साक्षात महाभारत में धर्म स्वरूप है पितामह, बोलो है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है पितामह, धर्म स्वरूप है पितामह, महाभागों में
उनका सम्मान होता है, लेकिन ऐसे भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को आदेशित कर रहे हैं भगवान। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन यही कहता है कि और सब ठीक है नारायण, लेकिन मैं भीष्म पितामह के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगे? इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये साक्षात धर्म है। मैं तो अधर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया हूं, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ कि अधर्म कौन है, किसको मानते हो अधर्म? अर्जुन ने कहा अधर्म मानता हूं दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, ये सब अधर्म है। भगवान ने कहा इनको अधर्म मानते हो और धर्म किसे मानते हो? कहा भीष्म पितामह, कृपाचारी, द्रोणाचार्य, ये सब धर्म है। और अधर्म कौन है? का अधर्म जो है शकुनी है, अधर्म दुशासन है, अधर्म दुर्योधन है, ये अधर्म है। भगवान ने कहा तो अधर्म को क्यों नहीं मार रहे हो? कहा दिखाई दे तब ना। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है। हे अर्जुन, भीष्म पितामह, कृपाचारी, द्रोणाचार्य, ये तीनों धर्मों के पीछे तीनों अधर्म छिपे हुए हैं। इसलिए जो धर्म की अधर्म की रक्षा करने में कवच का काम करता है, सबसे पहले उसी धर्म को नष्ट करना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है कि इनको मार दो, क्योंकि ये अधर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान नारायण ने आज धर्म को अगर नष्ट किया है क्योंकि वो धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। इसलिए जीवन में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अधर्म का साथ न दें, हम अधर्म का साथ न दें। ये हमारा परम धर्म है।